बरसते पानी में डटे रहे आदिवासी बोले, पुश्तैनी जमीन पर हमारा हक। बरसता पानी और पुश्तैनी जमीन पर अपना हक जताते आदिवासी। नजारा तहसील परिसर का है, जहां विगत दिनों प्रशासन ने झाली गांव से करीब 8 एकड़ शासकीय जमीन पर से इन्हें हटाया था ताकि छात्रावास बन सके। ये उसी का विरोध करने जमा हुए थे। इस दौरान प्रशासन ने समझाइश भी दी, लेकिन यह सुनने को तैयार नहीं थी। यह गिरते पानी में डटे रहे तहसील कार्यालय में जयस भीमार्मी आदिवासी विकास परिषद की बैनर तले धरना दे रहे राम भरोस, अवध नारायण जीवन, देवबाई, अवध मालवीय, संतोष, मुकेश एवं आजाद निवास झाली ने बताया कि जिस भूमि पर कन्या परिसर का निर्माण होना है वह हमारी पुश्तैनी जमीन है और बीते 70 वर्षों से हमारी कई पीढ़ियां खेती कर परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। ऐसे में अचानक प्रशासन द्वारा हमें पुश्तैनी जमीन से बेदखल करना न्यायोचित नहीं है। यदि प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम आखिरी सांस तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील आस्ते जी ने लिखा, इनके समर्थन में उतरे। इन्होंने लिखा और वीडियो सेंड भी किया, कहा, मैंने पीड़ितों से बात कर इनके ऊपर हो रहे प्रशासनिक अत्याचार पर विस्तार से जानकारी लेकर साथ देने का विश्वास दिलाया। भीम आर्मी के साथ ही आंदोलन में साथ दे रहे हैं। जल्द में सीहोर पहुंचकर इस अनिश्चित धरने में शामिल होकर जमीन की लड़ाई में साथ दूंगा। प्रशासन मौन है। सुनील आस्ते। जय जवाहर साथियों, जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम झाली में बुलडोजर चलवाया गया था। अभी आपके सामने एडीएम साहब के क्या शब्द थे, हमारा काम है जहां जो बोलेंगे वहां पर ये बुलडोजर चला देंगे। तो साथियों, इस कगार पे ये मध्य प्रदेश सरकार आ गई है कि कहीं भी बुलडोजर चला रही है। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि है, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। लगातार हमारे बीच में संघर्ष कर रहे हैं हमारे बड़े भैया विजय भाई के, इनकी बहुत ही ज्यादा तबीयत नाजुक है। हेलो, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, पीड़ित परिवार को न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो।